नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कड़ी पत्ता की कटिंग से हम लोग कड़ी पत्ता प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास दो कड़ी पत्ता की कटिंग्स हैं, ये मैं मार्केट से लेके आया हूँ। तो हम लोग ये यूज़ करके हम लोग इसका प्लांट ग्रो करने वाले हैं। तो अभी इनके लिए मैं रूटिंग हार्मोन, ये हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल और दालचीनी पाउडर, या हल्दी और हनी यूज़ कर सकते हैं, या हनी और दालचीनी पाउडर ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को ये जो कटिंग्स है, इसके पत्ते हैं, ये सब कट करने हैं। तो जैसे कि मैं कट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको ठीक तरह से कट करने हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, और डे टू डे रिजल्ट जो भी है वो दिखाने वाला हूँ, और फाइनल रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा गर्मी का मौसम है तो हम लोगों को कटिंग ग्रो करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जो मैं तरीका आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें हम लोगों को 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। तो ये जो मेरे पास अभी कटिंग है, ये थोड़ा बड़ा कटिंग है, तो हम लोगों को इतना बड़ा कटिंग तो नहीं लगने वाला है। तो मैं अभी एक काम करूँगा, ये दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। हम लोगों को नॉर्मली 5 या 6 इंच का एक कटिंग चाहिए। तो देखो, मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी इसके बाद हम लोगों को ये 45 डिग्रीज में कट करना है। तो यहाँ से एक्चुअली रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक कटिंग अभी रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको पुदीना के कटिंग से अगर पुदीना उगाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलो, ये मेरा दूसरा कटिंग है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बड़ आना एक्चुअली स्टार्ट होगा जब आप ये कटिंग लगाओगे। तो मेरा अभी ये दो कटिंग्स रेडी है। तो चलो, मैं अभी ये तीसरे कटिंग का भी पत्ते निकाल देता। तो चलो, मेरा तीसरा कटिंग भी रेडी हो गया है। अभी हम लोग ये जो मिट्टी यूज़ करने वाले हैं, ये नॉर्मल मिट्टी ही है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। तो आपको जो हमारा गार्डन सॉइल है वही लेना है। इसके बाद ये जो कटिंग्स है, ये मैं जो रूटिंग हार्मोन, हल्दी पाउडर या हम लोग दालचीनी पाउडर है, इसमें डीप करके लगाने वाला हूँ। इस यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रैच कर रहा हूँ ताकि वहाँ से रूट्स अच्छे से आ जाए। तो हम लोग को ये कटिंग अभी मिट्टी में लगाना है। यहाँ पे हम लोग मिट्टी में 1 इंच नीचे लगाएंगे, उसे ज़्यादा भी नहीं रखना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। तो ये दूसरा कटिंग है, ये भी मैं लगा रहा हूँ अभी। चलो, तो हम लोगों के अभी ये जो कटिंग्स है, ये मिट्टी में लगा के हो गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मिट्टी सूखी है तो हम लोगों को बहुत सारा अभी स्टार्टिंग में पानी देना है। इसके बाद हम लोगों को ये जो कटिंग्स है, ये प्लास्टिक बैग से हम लोगों को कवर करना है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, तो ये हमारे जो कटिंग्स है ये सूख ना जाए, इसलिए हम लोगों को ये पॉलीथीन बैग से कवर करना है। तो अगर आप ये पॉलीथीन बैग से कवर करते हो तो आपके चांसेस कटिंग ग्रो करने के बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को 100% इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे रख रहा हूँ छाव में। अब मैं आपको 5 दिन के बाद वाला रिजल्ट दिखाने वाला हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉलीथीन बैग है ये आपको 5 दिन कटिंग के ऊपर वैसे ही रखना है, कुछ भी हम लोगों को निकालना नहीं है इसमें से। तो ये अभी हमें निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि क्या रिजल्ट है 5 दिन के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बडिंग आना स्टार्ट हो गया है, ये कुछ छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ये दो कटिंग में तो प्रोमिनेंट है लेकिन तीसरी कटिंग में अभी तक ज़्यादा हम लोग को दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से 2 दिन के बाद देखेंगे। तो मैं अभी एक काम करूँगा, मैं हर 2 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखाऊँगा। ये जो पॉलीथीन बैग है ये आपको फिर से कवर करके रखना है, तो मैं इसको कवर करूँगा। और जैसे कि आज 5 दिन है तो मैं 7 दिन बाद या 9 दिन बाद 11 दिन बाद ऐसे मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगा। मैं अभी आपको 13 दिन बाद वाला रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी 9 दिन 11 दिन वाला रिजल्ट देखा है। तो अभी 13 दिन वाला रिजल्ट में ये अभी पॉलीथीन निकाल रहा हूँ। अभी हम लोग 13 दिन के बाद ये पॉलीथीन अभी यूज़ नहीं करना है, आप ये पॉलीथीन निकाल सकते हो, इसको कटिंग को फिर से कवर करने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग्स हैं इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। तो अभी इसके बाद आपको 10 या 15 दिन के लिए शेड में ही रखना है, डायरेक्टली सनलाइट में हम लोगों को एक्सपोज नहीं करना है। और 10 15 दिन के बाद इसमें आप कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।